हेलो और वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। तो कल की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी, इसकी फर्स्ट प्राइसिंग पॉलिसी। आज मैं आपको सेकंड प्राइसिंग पॉलिसी करवा रही हूँ। कल को मैंने आपको ये स्टार्ट करवाया था ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशंस। इसमें मैंने आपको यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग पॉलिसी करवाई। आई होप आपने कल की क्लास देखी हो। जिन बच्चों ने नहीं देखी है, मैंने उधर आप लोगों को ये भी बताया कि मैं बीच में क्लासेस क्यों नहीं ले पाई थी, और ये भी बताया कि आजकल मेरी जो क्लासेस होंगी थोड़ी शॉर्ट होगी, और मैं ऐसे पैटर्न से ही आपको पढ़ाऊंगी, बुक की मदद से मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पॉलिसी आती है वो है आपका प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होती है। इट इज दैट टाइप ऑफ प्राइसिंग पॉलिसी इन विच अ फर्म कोट्स एक्स फैक्ट्री और फ्री ऑन रेलवे प्राइस। तो ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें जो फर्म है वो क्या एक तरह से मेंशन करती है, क्या वो कोट करती है, एक तरह से वो क्या रिसीव करती है, वो ये दोनों प्राइस रिसीव करती है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल कंडीशंस में, ठीक है। अब एक्स फैक्ट्री क्या है, फ्री ऑन रेलवे क्या है, इनको अभी हम पढ़ते हैं। और जो ये प्राइसिंग पॉलिसी होती है, प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी, इसमें जो प्राइस होता है प्रोडक्ट का, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं इंक्लूड करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कल वाली जो मैंने आपको प्राइसिंग पॉलिसी पढ़ाई थी, उसमें तो जो प्राइस था प्रोडक्ट का, जो प्राइस था, जो टोटल प्राइस होता है प्रोडक्ट का, उसमें हम टोटल टोटल कॉस्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड करते हैं। लेकिन इस वाली टाइप में हम जो प्राइस है प्रोडक्ट का, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे हम अलग से चार्ज करते हैं, प्राइस में हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस, ये पहले ही हम एक्स फैक्ट्री का समझ जाए, एक्स फैक्ट्री क्या होता है। इन केस ऑफ एक्स फैक्ट्री प्राइस द बायर बियर्स ऑल द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो बायर है, जो सामान खरीद रहा है, उसी को पे करनी पड़ती है। बियर्स का मतलब उसी को झेलना पड़ेगा, उसी को पे करना पड़ेगा सारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को, बोथ द फ्राइट एंड कार्टेज फ्रॉम द फैक्ट्री पॉइंट। इनका कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये फैक्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल ये फैक्ट्री है, यहाँ से माल निकला और आपके पास आया, तो जितना भी खर्चा यहाँ से यहाँ तक का लगा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो आप बियर करोगे। फ्राइट का मतलब क्या होता है, मालगाड़ी। कार्टेज का मतलब क्या होता है, गाड़ी, ठीक है ना, जिससे जिसकी मदद से यहाँ पे हमें गुड्स मिलते हैं, जिसकी मदद से फैक्ट्री कंपनीज जो होती है वो कस्टमर तक गुड पहुँचाती हैं, ठीक है। तो एक्स फैक्ट्री प्राइस तो ये होता है, और इसमें ये किया जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ FOR, जिसकी फुल फॉर्म है फ्री ऑन रेलवे। देखो बच्चों, इनकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो MCQs पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप पैटर्न है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो FOR में क्या होता है, द फर्म बियर्स द फ्राइट चार्जेस अप टू द रेलवे स्टेशन और द ट्रांसपोर्ट एजेंसी। देखो एक्स फैक्ट्री में क्या था, उसको फैक्ट्री से लेके यहां तक की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे करनी है, लेकिन इधर क्या करेगा वो, इधर फ्री ऑन सॉरी फ्री ऑन बोर्ड बोल रही हूं मैं, फ्री ऑन रेलवे में वो क्या करेगा, ये देखो वो यहां तो सिर्फ फैक्ट्री से लेके रेलवे स्टेशन, आई होप आपको दिख रहा हो, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तक का जितना भी खर्चा होगा वो यहाँ पे जो बायर है वो यहाँ पे पे करेगा,
ठीक है, द फर्म लिखा हुआ है ना इधर, द फर्म बियर्स, और सॉरी यहाँ पे फर्म बियर्स करता है, मैंने आपको गलत बता दिया। यहाँ पे जो फैक्ट्री से लेके रेलवे स्टेशन का तक का जो भी गाड़ी का माल गाड़ी का जो भी खर्चा होगा, यहाँ पे फर्म देगी। फर्म मतलब जो सेल कर रही है वो यहाँ पे ये खर्चा देगी। यहाँ पे तो बायर ही देगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, वो मेरे मुंह से गलती से निकल गया था। तो आई होप आपको दिख रहा हो, इस जो बुक, ये जो मैं जिस बुक से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो उसका फॉन्ट साइज है बहुत ज्यादा छोटा है, तो आप फोकस करके आराम से पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो हम कहाँ पे थे? अप टू द रेलवे स्टेशन और द ट्रांसपोर्ट एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, रेलवे स्टेशन होते हैं, तो वहाँ तक का खर्चा फर्म पे करेगी। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा, द बायर हैज टू मीट फ्राइट एंड कार्टेज। उसके बाद रेलवे स्टेशन के बाद ट्रांसपोर्ट एजेंसी के बाद का जो जितना भी खर्चा होगा कस्टमर तक माल पहुंचाने का, वो यहाँ पे बायर कस्टमर पे करेगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्री ऑन बोर्ड, FOR को हम फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग पॉलिसी भी बोलते हैं, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स, अंडर दिस पॉलिसी प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूड्स ओनली द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको बताया था ना यहाँ पे कि जो प्राइस है प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी का, जो प्राइस होता है, जो प्राइस प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, उसमें हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड नहीं करते हैं। यहाँ पे प्राइस का मतलब है सिर्फ जो टोटल प्राइस है प्रोडक्ट का, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेलर टू द प्लेस ऑफ बायर आर पेड बाय द बायर हिमसेल्फ। इन लोग ये लोग एक लाइन यहाँ पे ऐड कर रखी है कि जितना भी एक्सपेंसेस, जितना भी खर्चा हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन का सेलर की प्लेस से, मतलब फैक्ट्री से लेके बायर तक का, वो सारा यहाँ पे बायर ही पे करता है, ठीक है। FOR में और एक्स फैक्ट्री में, FOR में यहाँ पे थोड़ा चेंजेस हैं, लेकिन बाद ये जो इन लोगों ने लाइन यहाँ पे ऐड कर रखी है, कंक्लूजन यही है, यहाँ पे बायर ही पे करता है। देखो यहाँ पे तो पूरा बायर को ही पे करना है, कहाँ पे, एक्स फैक्ट्री में, जब वो फैक्ट्री से माल निकला और बायर तक गया तो यहाँ पे बायर पे करेगा। बस FOR में थोड़ा चेंज है, FOR में रेलवे स्टेशन तक सेलर पे करेगा, उसके बाद बायर पे करेगा। तो अगर हम कंक्लूजन देखें तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो यहाँ पे बायर पे करता है। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉइंट प्राइसिंग पॉलिसी समझ में आई हो। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। कल को मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक एक टॉपिक ही कराऊंगी क्योंकि अभी मुझे बोलने में ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ हो। कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक ले बाय।